नालों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बड़ा आदमी तो मैं ही बनूंगा। वो लोग जानते नहीं है मुझसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। हमेशा से ही कॉमेडी फिल्मों का जॉनरा एक सक्सेसफुल जॉनरा रहा है। नो मैटर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कॉमेडी फिल्म, इट्स कंटेंट इज ए बॉन्ड टू मेक यू लाफ। कॉमेडी फिल्म में हम चाहे गोलमाल सीरीज की बात करें, धमाल या फिर ढोल जैसी फिल्मों की, लेकिन बिना अक्षय कुमार के फिल्मों की यह कॉन्टेक्स्ट अधूरा लगेगा। ये मेरे पैरों में छेद बना के मेरा तेल निकाल रही थी क्या? नहीं नहीं, वो तो आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। कॉमेडी मूवी वुड जस्ट एज ए ह्यूमरस एज ए डार्क सटायर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की कैरियर की 10 बेस्ट कॉमेडी मूवी, जिसे हर तरह के ऑडियंस देखना पसंद करती है। चलवा दो ताकि यहाँ आने के लिए बहाने ना बनाए। कोई बहाना बनाकर नहीं आ सकता तो। नीचे। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देख। नंबर 10 हाउसफुल सीरीज। बॉक्स ऑफिस पर जब भी अक्षय कुमार की हाउसफुल सीरीज आई, ऑडियंस ने उन्हें खूब पसंद किया। पापा मेरा बॉयफ्रेंड लाखों में एक है, मैं दो हूँ। इन सीरीज में हमें एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाया जाता है, फिर बाद में उसे सॉल्व करते दिखते हैं। नो डाउट दिस मूवीज आर ए फैंटास्टिक एक्शन कॉमेडी। अक्षय कुमार के लिए हाउसफुल सीरीज एक सेफ जोन रहा है। नहीं भाभी जी, किवाड़ को बंद करिए। इसमें इनके कल्ट एक्टिंग और क्लासिक कॉमेडी हर तरह से ऑडियंस को पसंद आई। हाउसफुल सीरीज में कौन सी ऐसी फिल्में आपको ज्यादा पसंद आई है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका? इसी मुंह से कर दीजिए। नंबर 9 खट्टा मीठा। 2010 में आई फिल्म खट्टा मीठा एक पॉलिटिकल सेटेरिकल कॉमेडी फिल्म थी, जिसे लेजेंडरी डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बनाया था। एकदम फाड़ू पता है, आप सुनोगे तो ही गिर जाओगे। वो म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, उसने आत्महत्या कर ली। जहां हमें करप्ट कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले के अराउंड यह फिल्म चलती है। He is unable to resolve his differences with the corrupt local administration. यह फिल्म 1988 में आई मलयालम फिल्म बेलाना कालूदे की रीमेक है। एक्टिंग बाय अक्षय कुमार इज आउटस्टैंडिंग। जितना बड़ा उनका शरीर है उतना बड़ा उनका दिल है। यह फिल्म हमें सोसाइटी करप्शन को अंडरस्टैंड करवाती है। नंबर 8 दे दनादन। दे दनादन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी इन द रिसेंट टाइम्स। 2009 में आई यह फिल्म एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये मत भूलो अंकल, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा, मैंने भी लॉटरी टिकट निकालना शुरू कर दिया है। जहां दो कंगाल दोस्त दिखते हैं जो अपनी शादी करने के लिए जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के अलावा इसमें राजपाल यादव, परेश रावल, असरानी, जॉनी लिवर की कॉमेडी हमें इम्प्रेस करती है। दे दनादन इज ए फनी बट लाउड लेंदियन नॉनसेंस। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? यह फिल्म प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म बेतम और हॉलीवुड मूवी स्क्रूड पर बेस्ड है। नंबर 7 है बेबी। हे बेबी 2010 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जहां हमें तीन बैचलर्स के अराउंड यह कहानी दिखती है। देयर लाइव्स टर्न्ड अप्स एंड डाउन व्हेन ए बेबी इज लेफ्ट एट देयर डोरस्टेप। फिल्म के प्लॉट मलयालम फिल्म और अमेरिकन फिल्म थ्री मैन एंड ए बेबी पर बेस्ड है। इनके कैरेक्टर काफी पॉजिटिवली एक्टिव और इसकी टाइमिंग हमें इम्प्रेस करती है। इट एन इजी मेंशन इन अ लिस्ट ऑफ मूवीज दैट इनुमरेट अक्षय कुमार बेस्ट कॉमेडी मूवीज। तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। For you it was always about sex. Thank God मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं हूं। नंबर 6 भागम भाग। भागम भाग एक कॉमेडी ड्रामा के साथ मिस्ट्री फिल्म होने वाली है, जहां हम देखते हैं कि एक थिएटर ग्रुप आर्टिस्ट बंटी एंड बावला लीड एक्टर ऑलवेज गेट इनटू फाइट फॉर ए लीड रोल। ये पैसे कैसे है? हां तुम्हारे मां का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 जो हीरोइन लाने के लिए एक मर्डर केस में फंस जाता है, जहां हमें एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी देखने को मिलती है। अक्षय कुमार और गोविंदा की स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को हंसाती है। अगर आप एक गुड कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो इसे आप देख सकते हैं। द मूवी स्टार्टेड विथ गुड कॉमेडी बट फ्रॉम द इंटरवल इट टर्न्ड आउट टू बी अ सस्पेंस वंस। नंबर 5 गरम मसाला। गरम मसाला इज ए इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी फिल्म
रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन अगेन। I love you too. जहां हमें मैक और सैम दो दोस्तों के अराउंड इसके प्लॉट बेस्ड हैं। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। द मूवी हैज डेवलप्ड ए कल्ट फॉलोइंग एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ह्यूमरस मूवी इन हिंदी। यह फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी और एक्टिंग की कॉमेडी से भरपूर है। नंबर 4, बेलकम। बेलकम एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहां हम देखते हैं कि राजीव नाम के एक लड़के को गैंगस्टर की बहन से प्यार हो जाता है। लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो गई है, अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहां से मिलेगा। जिसके बाद कई कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आते हैं। इट इज वन ऑफ द टॉप 5 अक्षय कुमार कॉमेडी मूवीज। का कांड करके बैठे हैं और तू अपुन से काला कांडी करेगा। ए, उनकी बदनामी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत की क्यों पेंटिंग बना रहा है। जहां हमें एक हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिलती है। द सेंट्रल प्लॉट इज बेस्ड सम व्हाट 1999 कॉमेडी ब्लू आईज। अनीस बज्मी ने नाना पाटेकर से कॉमेडी कराकर हम ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया। भगवान का दिया हुआ सब। अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सर 39 का डायलॉग। अरे पूरी बात तो सुन ले। क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। आपको वेलकम कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 3, फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है जहां हेरा फेरी की कहानी आगे देखने को मिलती है। यह अब तक की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म में से एक है। जिसे 100 बार से ज्यादा देखने पर आप बोर नहीं होते हो। इस फिल्म को लेजेंडरी डायरेक्टर नीरज बोरा ने डायरेक्ट किया था। बाबूराव राजू एंड श्याम को हम इसके तीसरे पार्ट में भी देखना पसंद करेंगे। दिस इज ए क्लासिक मूवी इन इंडियन सिनेमा। बदलने का बात नहीं करने का, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये तेरा जूता साला और इनका चड्डी बनियान भी फोन की वजह से है। नंबर 2, भूल भुलैया। भूल भुलैया एक इंडियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जहां हम देखते हैं कि एक NRI घर लौटता है और उसकी वाइफ एंसेस्ट्रल होम में रुकती है जिस पर भूत आता है। मुझे यहां से कहीं बाहर नहीं जाने देगा, आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है। अक्षय कुमार डज नॉट एंटर द सीन टिल द फर्स्ट आवर इज कंप्लीट। यह फिल्म मलयालम फिल्म मणिचित्राजू का हिंदी रीमेक है जहां राजपाल की एक्टिंग को आज भी लोग याद करते हैं। अरे बेटी पुष्पा, कहां जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? नो डाउट दिस इज अनदर फिल्म ऑफ अक्षय कुमार इज बेस्ट कॉमेडी फिल्म। बूढ़े राजा कह के हल्ला बोल दिए, छाते से टोचने लगे, इसलिए मैंने धर लिया कोने में। नंबर 1, हेरा फेरी। द कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी बीच वॉज द रिलीज इन 2000। यह इंडियन व्यूअर्स के लिए एक ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी फिल्म है। हेलो बाबू राव है? नहीं, देवी प्रसाद है, बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। द मूवी बेंट ऑन टू द बिकम ए कल्ट फेवरेट ओवर द टाइम। इसके आइकॉनिक डायलॉग आज भी पॉपुलर हैं। इट इज इजिली अक्षय कुमार बेस्ट कॉमेडी मूवी कंसीडरिंग इट्स आइकॉनिक स्टेटस। ये क्या कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? अब क्या सोचते हो इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अक्षय कुमार की और कौन सी फिल्में आपको पसंद है हमें बताएं। नहीं नहीं, माँ बाप ने जो नाम रखा वो बताइए, खाने पीने का नाम मत बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।